फाइनेंस कंपनी के दो कर्मी निकले लुटेरे, साथियों के साथ मिलकर अपने ही फाइनेंस कंपनी को बनाने वाला था निशाना। पुलिस को शक हुआ तो फाइनेंस कंपनी के कर्मी और सहयोगियों को किया गिरफ्तार। तीन लुटेरे में से दो फाइनेंस कंपनी को लूटने वाला पूर्व का स्टाफ रह चुका है। पकड़े गए सभी आरोपी समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। निजी फाइनेंस कंपनी को लूटने पहुंचे थे आधा दर्जन लुटेरे, पुलिस ने किया मौके से गिरफ्तार। इस दौरान देसी पिस्टल, कारतूस और कई सामग्री जब्त। पकड़े गए सभी शातिर में से सभी समस्तीपुर जिले के रहने वाले बताए गए हैं। सकरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई में मिली सफलता। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार तीन शातिर बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को शक हुआ तो बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर को लूटने की फिराक में है और इसमें तीन अन्य सहयोगी भी शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड करके अन्य तीन को पकड़ा है। पकड़े अन्य तीन लुटेरे में से दो जिस फाइनेंस कंपनी को लूटने वाले हैं उसके पूर्व के स्टाफ रह चुके हैं, जिसके नाम विवेक कुमार और सनी कुमार है। दोनों बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और इन दोनों के द्वारा ही लूट की प्लानिंग की गई थी और इस दौरान उन्होंने इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग में थे, जिसको पकड़ा गया है और सभी छह आरोपी को पकड़ लिया गया है और एक बड़ी लूट होने से बचा लिया गया है। DSP S2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गश्ती के दौरान में तीन शातिर को पकड़ा गया है, जिसमें की गई पूछताछ पर अन्य तीन शातिर को पकड़ा गया है। पकड़े गए सभी आरोपी समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और इनमें से दो शातिर बदमाश विवेक कुमार और सनी कुमार निजी फाइनेंस कंपनी का दफ्तर, जो कि भारत फाइनेंस कंपनी के स्टाफ भी रह चुके हैं, उनके द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी और लूट करने के लिए अन्य साथी को समस्तीपुर से बुलाया गया था, जिसको पकड़ा गया है और इस तरह से लूट की एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है। दिनांक 29/7/2024 को संध्या गश्ती के दरमियान हमारे सकरा थाने की पुलिस टीम वहां जांच कर रही थी, उसी में एक पल्सर बाइक पर सवार तीन अपराध कर्मी जो संदिग्ध अवस्था में भागना चाह रहे थे, उनको खदेड़ कर पकड़ा गया। उनके पास से एक लोडेड नहीं था देसी कट्टा और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिस मोटरसाइकिल का कोई कागजात उनके पास नहीं था और ना ही अवैध देसी कट्टा का कोई कागजात था। उन तीनों को पकड़ा गया तो उन तीनों द्वारा हम लोग दिन में भारत फाइनेंस बैंक है यहाँ पे, उसको लूटने की योजना बनाए थे, जिसमें उसके तीन साथी और शामिल थे। इसमें से एक साथी जो था उसका विवेक कुमार, एक महीना पहले से वो उसी फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, और एक दूसरा साथी सन्नी कुमार जो रेवाड़ी थाना समस्तीपुर के रहने वाले हैं, वो वर्तमान में उसी भारत फाइनेंस कंपनी में काम भी करते हैं। तो उनकी निशानदेही पर फिर और तीन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, एक विवेक कुमार, सनी कुमार दोनों फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए थे, और राहुल कुमार जिनकी बाइक इस कांड में बरामद की गई थी। और तीन लोग गिरफ्तार हुए, उनका नाम अमर पासवान, पिता राजेश पासवान ग्राम मऊ थाना विद्यापति नगर, दूसरे अखिलेश कुमार, पिता हुलास राय ग्राम मऊ थाना विद्यापति नगर, राजा कुमार पासवान, पिता गणेश पासवान ग्राम मऊ थाना विद्यापति नगर थाना जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और चौथे राहुल कुमार, पिता शत्रुघ्न पासवान ग्राम जलालपुर थाना मोहनपुर जिला समस्तीपुर, पांचवा है विवेक कुमार, पिता राम प्रवेश पासवान ग्राम जलालपुर, छठा है सनी कुमार, पिता मुनिलाल साह ग्राम रेवाड़ी थाना अंगाड़ा घर, ये सभी जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने भारत फाइनेंस बैंक लूटने की योजना बनाई थी, जिसमें वे कामयाब नहीं हो सके। इसका कोई आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास हम समस्तीपुर जिला से मांगे हुए हैं, सभी छह अपराध कर्मी समस्तीपुर जिला के ही हैं, तो यहाँ पर अपराध करने के नियत से आए हुए। कौन से ब्रांच से लूटने के प्लान? ये है पंजाब भारत फाइनेंस बैंक सकरा में ही है, जिसको ये लोग लूटने के फिराक में। इनके पास से हथियार वगैरह भी, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, और तीन साथी तो चले गए थे रेकी करके, तीन साथी यहाँ पकड़े गए थे जिनके पास से हथियार बरामद हुआ, और तीन लोग बाद में पकड़े गए उनके निशानदेही पर इनके पास से। दो लोग जो इस फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए थे पोस्ट पे काम कर रहे थे, वो लोग क्लर्क फील्ड एजेंट छोटे पद पर है।